मेरे अंकल ने मुझे 10,000 रुपए नए साल के लिए दिए। अब इससे मुझे क्या खरीदना चाहिए सोचता हूँ। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि ये कॉमिक बुक के अंदर हो सकते हैं। मुझे याद है जब मुझे पैसे मिले थे। हाँ, याद है। तो फिर मैं क्या खरीदूंगा? ओहो, एक मिनट रुको तो सही। एक प्लास्टिक मॉडल खरीदूं या फिर कोई गेम खरीदूं? हाँ, मुझे गेम खरीदनी चाहिए। ये पैसे बहुत सोच समझ कर खर्च करना नोबिता। लेकिन इनको तो खर्च करना ही होगा ना? आज के जमाने में तो पैसे यूं ही खर्च हो जाते हैं। तुमने सही कहा, पैसे की कीमत कम होती जा रही है। मुझे पता है, जब मैं छोटा था तो बहुत कम पैसों में बहुत सारी चीजें आ जाया करती थी। अब तो बहुत महंगाई है, पहले वाली बात नहीं रही। महंगाई तो दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। पता है, मेरे दादाजी कहते थे कि उनके जमाने में एक पैसे में दो टॉफियां आ जाती थी। हाँ, सच्ची बात है। और वो एक का सिक्का कितना छोटा हुआ करता था, देखा तुमने? मैंने कभी नहीं। मॉम डैड किस चीज की बात कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आया। वो पुराने जमाने के पैसे होते थे। पहले एक पैसा भी इस्तेमाल किया जाता था और 100 पैसे मिलाकर 1 रुपया बनता था। हाँ? लोग 1 रुपए की टॉफी खरीदते थे। हाँ, उस समय में सब कुछ कितना सस्ता होता होगा ना। थोड़े से पैसों में बहुत कुछ मिल जाता था। लेकिन अब तो सब कुछ बहुत महंगा हो गया है। आज के थोड़े पैसे उस समय कितने ज्यादा होते होंगे ना डोरेमोन। इतने पैसों में तुम करोड़पति बन जाते। काश मैं उसी समय में पैदा हुआ होता। लेकिन उस जमाने में नए साल पर तुम्हें इतने पैसे कौन देता। मुझे कुछ करना चाहिए, मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है। क्या आइडिया है? मुझे व्हाट इफ बॉक्स दे दो ना। हेलो हेलो, एक ऐसी दुनिया जहां अब भी सामान सस्ता हो और मेरे पास अंकल के दिए हुए 10,000 रुपए होंगे। चलो देखते हैं चीजें कितनी सस्ती हैं। मुझे ये वाली भी चाहिए। तुम बहुत ज्यादा खरीद रहे हो। और ये वाली भी। 10,000 रुपए, माफ कीजिए, इतना चेंज हमारे पास नहीं है। डोरेमोन, कितने की है ये सब? देखा जाए तो ये सच में बहुत ज्यादा सस्ती है। ठीक है, सच कहो तो तुम्हें 1 रुपए में 28 किताबें मिल जाएंगी। बढ़िया है ना? सच में बहुत सस्ती है। ये रहे पैसे। क्या तुम इतने छोटे बच्चे होकर इतने पैसे लेकर घूमते हो? उन्हें खुले पैसे रखने चाहिए थे ना। हाँ। चलो ठीक है, अब गेम खरीदेंगे, एरोप्लेन खरीदेंगे। तो लाइए सर, आप पेमेंट दे दीजिए। ये लीजिए। इतना बड़ा नोट, हमारे पास इतना चेंज नहीं है। कितनी अजीब बात है, मैं पैसे खर्च ही नहीं कर पा रहा। चलो वापस अपनी दुनिया में चलते हैं। अगर मुझे 10,000 रुपए के खुले पैसे मिल जाते तो मैं 1 रुपए तुम्हें देने वाला था। मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है। मैं इससे बहुत सारे डोरा केक्स खा सकता हूँ। रुको, मुझे डोरा केक्स खाने हैं, मुझे डोरा केक्स खाने हैं। प्लीज मुझे पैसे दे दो, मुझे डोरा केक्स खाने हैं, प्लीज दे दो ना। दे दो डोरा केक, डोरा केक, डोरा केक, डोरा केक, डोरा केक। तुमने ये पहले क्यों नहीं बताया? डोरा केक, डोरा केक, डोरा केक, डोरा केक, ये डोरा केक, डोरा केक, डोरा केक। मैं अभी के लिए 2,000 रुपए निकाल लेता हूँ। ये लो, ये रहे तुम्हारे पैसे डोरेमोन। ये मुझे बहुत सारे डोरा केक मिलेंगे। आज मैं बहुत सारा सामान खरीदूंगा। टैक्सी। तो बताइए कहाँ जाना है आपको? मुझे डिपार्टमेंट स्टोर जाना है। अरे मैं यही तो ढूंढ रहा था। ये तो बहुत ही सुंदर कोट है नोबिता बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। ये मेरी तरफ से छोटा सा तोहफा है, मैंने और भी लिए हैं, इसलिए धीरे धीरे आते रहेंगे। मिस्टर नोबिता, आपका सामान आ गया है। प्लीज दरवाजा खोलिए। आपने जो ऑर्डर किया था वो हम ले आए हैं। शुक्रिया। अरे ये तो बहुत ज्यादा है, इतना सारा सामान घर में नहीं आएगा। मुझे 7 वाला घर खरीद लेना चाहिए। क्या तुम मेरा घर खरीदना चाहते हो? जी आंट, प्लीज मुझे वापस कर दो, वो मेरा नया प्लेन है। चुप करो और मुझे उसे उड़ाने दो ध्यान से, ठीक है? मुझे भी खेलने दो ना जी आज। वो गिर रहा है। उसे सही से कंट्रोल करो जी आंट। अरे वो क्या है?
अरे सुनियो, वो बड़ा सा प्लास्टिक मॉडल एयरप्लेन किसका है? मैंने ऐसा प्लेन पहले कभी भी नहीं देखा। ठीक है सुनियो, अब मैं तुम्हें अपना कमाल दिखाता हूँ, तैयार हो? रुक जाओ जियान, प्लीज ऐसा मत करो, रुक जाओ जियान, सुनो तो। वो तो मैदान में गिर गया। ये तुमने क्या किया? मेरा प्लेन वो बिल्कुल नया था। मुझे माफ करना। अरे वाह मेरे दोस्त लोबिता, क्या ये सब तुम्हारे ही हैं? हाँ, ये सस्ते थे इसलिए मैंने ले लिए। अगर तुम्हें चाहिए तुम रख सकते हो। क्या तुम सच कह रहे हो नोबिता? जी हाँ, नोबिता ने हमारा प्लेन तोड़ा था, उस पर गुस्सा करो। हे सुनियो, ज्यादा मत बोलो, चुप हो जाओ, अपने बेकार से एयरप्लेन के पीछे रोना बंद करो, समझ गए ना? वैसे एक और बात है नोबिता। ये बहुत ही गलत बात है। रोना बंद करो सुनियो, चलो कुछ मजेदार खाने चलते हैं। क्या बात है दोस्तों, ये सब कुछ तुम लोगों के लिए है, आराम से खाओ। खाना शुरू कीजिए। चलो खाते हैं। अगर तुम्हें कुछ और खरीदना है तो बता दो, मैं खरीद दूंगा। अरे क्या तुम सच कह रहे हो नोबिता? नोबिता तुम चाहे कुछ भी कर लो, इस सब का कोई फायदा नहीं होने वाला। नोबिता तुम आराम से अपना खाना खाओ, सुनियो की बात का बुरा मत मानना, वो तो ऐसे ही कुछ भी कहता रहता है, चलो खाना खाएं। अरे शर्माओ मत, खाना शुरू करो। अच्छा दोस्तों, अब मुझे घर जाना चाहिए। अच्छा, क्या मैं तुम्हें घर छोड़ने चलूं? नहीं नहीं शुक्रिया। ठीक है, तुम जितना चाहो ऑर्डर कर सकते हो। ठीक है, बाय। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, फिर मिलेंगे नोबिता। नोबिता तुम मुसीबत में भी पड़ सकते हो। हमारी कंपनी बहुत नुकसान ले रही है। हम सच कह रहे हैं, हमारे पास कोई पैसे नहीं है। आप हमारा यकीन क्यों नहीं करते? देखिए आप हमसे छुपाने की कोशिश मत कीजिए, हमें पता है कि आप बहुत अमीर हैं। देखिए सर, आप अपने पैसे हमारे बैंक में ही रखिएगा। आप लाइफ इंश्योरेंस करा लीजिए। मैं ज्वेलरी पर आपको डिस्काउंट दूंगी। मैं अभी घर नहीं जा सकता। तो तुम ही हो नोबिता? हाँ सही कहा, पर आप कौन? मैं तो तुमको ही ढूंढ रहा था। जल्दी से पैसे निकालो। नहीं मेरे पास पैसे नहीं है। क्या कहा, पैसे नहीं है? मैं बच गया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अंकल। कोई बात नहीं, ये तो हमारा फर्ज था, इसमें क्या बात है। हाँ हाँ, अब हम तुम्हें अपने साथ ले जाकर अपना बाकी का फर्ज भी पूरा कर लेंगे। अरे ये क्या हो गया, ये तो पंचर हो गया हमारा। ए सुनो, कौन है? नोबिता मेरे साथ जाएगा। तुम नोबिता को नहीं ले जा सकते, समझे? ये तो बस मेरे साथ ही जाएगा। मैं अपनी दुनिया में वापस जाना चाहता हूँ। बंद करो ये सब। डोरेमोन बचाओ मुझे। मैं अपनी दुनिया में वापस जाना चाहता हूँ अभी। ये किताब 390 की है और ये 130 रुपए की है। ये किताबें तो बहुत महंगी हैं। अब मेरे पैसे जल्दी खर्च हो जाएंगे, कुछ तो करना पड़ेगा। ये लड़का भी ना, इनको मैं जमा करके रखूंगा। हाँ बहुत बढ़िया। मेरा एक रुपया गिर गया, अब मैं क्या करूं? मिल क्यों नहीं रहा? छोड़ो भी, जाने दो, एक रुपया ही तो था। मैंने एक रुपया गिरा दिया जिसकी बहुत कीमत होती है। मैं छोड़ नहीं सकता डोरेमोन।